लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र अहरौली के मनपा अस्पताल का दौरा किया और यहां के राजमाता जीजाऊ माता बालक अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने यहाँ के मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों से भी बातचीत की, साथ ही मरीजों और उनके परिजनों से भी उपचार सेवाओं का हाल जाना। लोकनेता गणेश नाइक ने यहाँ मनपा के आरोग्य अधिकारियों को यहाँ की खामियां सुधारने और बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उनके साथ पूर्व विधायक संदीप नाइक और अनंत सुतार समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। लोक नेता विधायक गणेश नाइक ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र अहरौली सेक्टर 3 में मनपा द्वारा संचालित राजमाता जीजाऊ माता बालक अस्पताल का दौरा किया और महिलाओं को दी जा रही उपचार सेवा और आरोग्य सुविधाओं का जायजा लिया। उनके साथ पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद सुतार समेत कई नगर सेवक और पदाधिकारी भी मौजूद थे। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने यहाँ मनपा के आरोग्य अधिकारियों से माता बालक अस्पताल की क्षमता, आरोग्य सुविधा और उपचार इंतजामों पर चर्चा की और जरूरी खामियों को तत्काल दूर करने का भी सुझाव दिया। गणेश नाइक ने यहाँ मरीजों के कई परिजनों से भी बात की और उनकी सेहत और उन्हें मिल रही सुविधाओं का हाल जाना। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। उन जो कारोबार चल रहा है वो देखने के लिए वर्षा रटर मैडम से मैंने बातचीत, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोविड का सेक्शन चालू करने का पूरा तैयारी चालू हुई है। अभी बात ऐसे हरदम माननीय आयुक्त महोदय से मैंने बोला कि वासी का जनरल हॉस्पिटल, अहरौली का ये अपना हॉस्पिटल और नेहरुल का हॉस्पिटल, इसमें कोविड का समावेश नहीं होना चाहिए, ये जनरल लोगों के लिए होना चाहिए। क्योंकि अभी अहरौली, अहरौली के साथ में दीघा से लेकर रबाड़ा तक के झोपड़पट्टी के लोग इसी हॉस्पिटल का फायदा लेते हैं, मीन्स उनको यूटिलाइज करते हैं उस चीज़ को। अभी ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पे कोविड लाए जाएंगे तो लोगों की समस्या गंभीर हो जाएगी। 8-10 दिन में मैं माननीय आयुक्त से मिलता हूँ, आपको सबको मालूम है, वो मीटिंग में इस बात पर चर्चा हो जाएगी। और यदि वो यहाँ पे कोविड का निर्माण करना अनुचित है तो रद्द करने का मेरा पूरा आग्रह मेरा रहेगा और रद्द करके रहूँगा। बताना जरूरी है कि पूर्व मंत्री गणेश नाइक लॉकडाउन काल से ही हर हफ्ते मनपा आयुक्त से मुलाकात करते हैं और नागरी सेवा सुविधाओं के साथ ही कोरोना उपचार इंतजामों को पुख्ता बनाने पर जोर देते रहे हैं। आज के दौरे में भी उन्होंने माता बालक अस्पताल में जरूरी इंतजामों पर जोर दिया ताकि इलाज और सुविधाओं के अभाव में किसी महिला को मुसीबत न झेलनी पड़े। नागरिकों ने भी इस दौरे को उपयोगी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।